So welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions from Lessons for Extensive Study, Chapter 2, The Marking from your book, in the subject of General English, Class 10 2. तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द मार्किंग. ऑप्शंस हैं के ए अब्बास, इसाक एसिमॉव, के एस विर्क, कैथरीन लिटिल बेकलेस. राइट आंसर इज कैथरीन लिटिल बेकलेस, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज हु वॉज स्टैंडिंग विद जॉन फिलिप सोजा इन कॉर्नर. एक जो किनारा था वहाँ पे कॉर्नर में जॉन फिलिप सोजा के साथ कौन खड़ा हुआ था. हिज ग्रैंड मदर, हिज आंट, हिज मदर, हिज सिस्टर. राइट आंसर इज सी, दैट इज हिज मदर. What was Philip watching standing in a corner with his mother, a circus show? A film shooting, a parade passed by, a puppet show. Right answer is C, that is a parade passed by. Next is which band did Philip watch? The Marine Band, Alice in Chains, Eraser's Heads, River Maya. Right answer is A, that is the Marine Band. नेक्स्ट इज व्हाट डिड फिलिप वो टू बिकम व्हेन ही ग्रो अप. जब फिलिप छोटा था तो वो जब बड़ा होके क्या बनना चाहता था. म्यूजिशियन, डांसर, सिंगर, राइटर. राइट आंसर इज ए, दैट इज म्यूजिशियन. नेक्स्ट इज व्हेन डिड फिलिप स्टार्ट अटेंडिंग स्कूल ऑफ म्यूजिक. एट द एज ऑफ 11, एट द एज ऑफ 7, एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 9. राइट आंसर इज बी, दैट इज एट द एज ऑफ 7. नेक्स्ट इज वेयर वॉज द फिलिप्स स्कूल. फिलिप का स्कूल कहाँ था. इन हिज नेबरहुड, इन इंग्लैंड, 2 kilometers अवे फ्रॉम हिज हाउस, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, दैट इज इन हिज नेबरहुड. नेक्स्ट इज व्हाट डिड फिलिप इंजॉय लर्निंग. फिलिप को क्या सीखना पसंद था. टू प्ले द बेसबॉल, टू प्ले द वायलिन, टू प्ले हॉकी, टू प्ले वॉलीबॉल. राइट आंसर इज बी, दैट इज टू प्ले वायलिन. उसको वायलिन बजाना बहुत पसंद था. नेक्स्ट इज हाउ कुड फिलिप लर्न टू प्ले द वायलिन बिफोर लॉन्ग. बहुत पहले इतनी जल्दी जो था फिलिप वो वायलिन बजाना कैसे सीख गया था. बिकॉज ही वॉज बहुत talented and eager to learn, because he was talented and handsome, because he was active and eager to learn, because he was talented and shy. Right answer is A, that is because he was both talented and eager to learn. Ki wo talented bhi tha aur usse seekhne ki chaah bhi thi. Next is Philip spent all his time playing the violin. फिलिप जो था अपना सारा समय जो था वो कैसे गुजारता था. वायलिन प्ले करने में. ट्रू है या फॉल्स है. राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स. वो पढ़ाई भी करता था. नेक्स्ट इज बिसाइड प्लेइंग वायलिन फिलिप लव टू प्ले डैश क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल. अब वायलिन के अलावा जो था फिलिप वो किस चीज़ को पसंद करता था. बेसबॉल को. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट इज एट व्हाट एज डिड फिलिप गॉट इन ट्रबल वन इवनिंग. एक शाम जो था फिलिप ट्रबल में जो था मुसीबत में पड़ा था. कितनी एज थी उसकी. एट द एज ऑफ 11, एट द एज ऑफ 7, एट द एज ऑफ 9, एट द एज ऑफ 12. राइट आंसर इज ए, दैट इज एट द एज ऑफ 11. नेक्स्ट इज व्हाट वॉज गिवन बाय द म्यूजिक स्कूल एवरी ईयर. म्यूजिक स्कूल के द्वारा हर साल क्या दिया जाता था. अ म्यूजिक कंसर्ट, अ नाइट कंसर्ट, एन इवनिंग कंसर्ट, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज अ एन इवनिंग कंसर्ट. नेक्स्ट इज व्हाई वाज फिलिप चोजन फॉर द इवनिंग कंसर्ट. अब फिलिप को क्यों चूज किया गया था इवनिंग कंसर्ट के लिए. टू प्ले गिटार, टू प्ले वायलिन सोलो, टू प्ले बेसबॉल, टू प्ले हारमोनियम. राइट आंसर इज बी, दैट इज टू प्ले वायलिन सोलो. नेक्स्ट इज व्हाट हैड फिलिप बीन डूइंग फॉर सेवरल मंथ्स. जो फिलिप था वो बहुत सारे मंथ्स से क्या कर रहा था. डायरेक्टिंग अ स्मॉल बैंड, वर्किंग एज अ बेकर, वर्किंग एज एन एक्टर, डायरेक्टिंग अ टीवी शो. राइट आंसर इज ए, दैट इज डायरेक्टिंग अ स्मॉल बैंड. फिलिप गॉट नर्वस आफ्टर ही हैड बीन चोजन फॉर टू प्ले वायलिन सोलो फॉर द इवनिंग कंसर्ट. फिलिप जो था जब उसको इवनिंग कंसर्ट के लिए वायलिन प्ले करने के लिए चुना गया तो वो बहुत ही नर्वस हो गया था. ट्रू और फॉल्स.
Right answer is B. That is false because he was quite confident. What foolish thing did Philip do on the very day of the concert? जिस दिन कंसर्ट होना था उस दिन उसने क्या मूर्खतापूर्ण काम किया था? He played baseball till late evening. He played basketball till late evening. He played football till late evening. He played volleyball till late evening. Right answer is A. That is he played football till late evening. Next is what was Philip's condition when he came back home after playing? जब खेलने के बाद फिलिप घर आया तो उसका कंडीशन कैसा था? He was tired and puffing. He was satisfied after the play. He was very happy. None of the above. Right answer is A. That is he was tired and puffing. Next is what was the time when Philip returned home after playing baseball on the day of his evening concert? जिस इवनिंग को उसका कंसर्ट था उस दिन वो बेसबॉल खेलने के लिए गया था लेकिन वो घर कब वापस आया था? सपर टाइम, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सपर टाइम. सपर टाइम क्या होता है? या तो सुबह के नाश्ते का वक्त या फिर सबसे लास्ट खाने का वक्त जो होता है. वट वॉज स्ट्रीकिंग अक्रॉस फिलिप्स मॉइस्ट फॉरहेड? जो फिलिप था उसके पसीने वाले जो फॉरहेड था उस पर क्या, वट वॉज स्ट्रीकिंग अक्रॉस दैट? डस्ट, डर्ट, स्वेट और ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी. दैट इज डर्ट. How was Philip feeling after the long hours play? अब काफ़ी घंटे तक वो खेल चुका था तो वो कैसा फील कर रहा था? Thirsty, tired, hungry, both A and C. That is thirsty and hungry. वो दोनों तरह से ही फील कर रहा था. Right answer is D. वो प्यासा भी जो था वो अब थका हुआ भी था और भूखा भी था. What was the condition of Philip's clothes when returned home? जब वो घर वापस आया तो उसके कपड़ों की कंडीशन क्या थी? His clothes were muddy, his clothes were clean but wrinkled, his clothes were dusty and wrinkled, all of the above. Right answer is C. That is his clothes were dusty and wrinkled. कि उसके कपड़े जो थे उसमें मिट्टी लगी हुई थी और उसमें रिंकल्स पड़े हुए थे. Why did Philip feel puzzled? Philip जो था जब वो घर वापस आया तो वो puzzled क्यों था? Because he could not see his mother in the house, because there was silence in the house, because he could not find clean dress for the concert, या फिर all of the above. Right answer is B. That is because there was silence in the house. कि घर में बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी, ना उसको अपनी मामा दिखी थी, तो उस silence की वजह से वो puzzled था. Next is the house was so quiet that he could hear the slow tickling of the big clock in the dash. अब हाउस जो था, घर जो था, उसमें इतनी चुप्पी थी, इतना साइलेंस था कि वो जो टिकलिंग ऑफ क्लॉक था वो सुन सकता था. कहाँ पे? ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, हॉल में या एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. राइट आंसर इज सी. दैट इज हॉल. नेक्स्ट इज वेयर डिड फिलिप मदर गोन वेयर व्हेन ही रिटर्न्ड होम? She had been called away by the illness of her husband. She had been called away by a friend because she met with an accident. She had gone to see her parents. She had called away by the illness of a friend. Right answer is D. That is she had been called away by the illness of a friend. कि उसकी मामा की जो फ्रेंड थी वो बीमार थी तो वो उसके पास चली गई थी इसलिए घर में चुप्पी थी. Where did Philip look for the clean dress? अब फिलिप को कंसर्ट में जाना था और उसे एक क्लीन ड्रेस चाहिए थी तो उसने वो ड्रेस कहाँ ढूंढी? इन हिज वार्डरोब, इन हिज फादर्स वार्डरोब, इन द ड्रॉअर वेयर द क्लीन लॉन्ड्री वॉज कैप्ट, इन द बॉक्स ऑफ हिज मदर. राइट आंसर इज सी. दैट इज इन द ड्रॉअर वेयर द क्लीन लॉन्ड्री वॉज कैप्ट. जहाँ पे साफ कपड़े रखे जाते थे उस ड्रॉअर में उसने देखा. Why was the drawer empty? अब drawer empty क्यों था? Because the maid had washed all the clothes, because his mother had washed all the clothes, because laundry had not yet come back. None of the above. Right answer is C. That is because the laundry had not yet come back. कि कपड़े जो थे वो धुलाई के बाद वापस नहीं आए थे. What did Philip do when he could not find a clean shirt? जब फिलिप को कोई भी साफ शर्ट नहीं मिली तो उसने क्या किया? ही शाउटेड एट हिज मदर. वो अपनी मदर पे चिल्लाया. ही स्टार्टेड क्राइंग. उसने रोना शुरू किया. ही रैन ओवर टू म्यूजिक टीचर टू टेल हिज ट्रुथ.
वो अपने म्यूजिक टीचर के पास गया अपना सच बताने के लिए. ही बॉट अ न्यू शर्ट, या फिर उसने नई शर्ट ली. राइट आंसर इज सी, दैट इज ही रैन ओवर टू हिज म्यूजिक टीचर टू टेल हिज ट्रूथ. वो अपने म्यूजिक टीचर के पास गया और उसने अपना सच बता दिया. वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द टीचर वेन फिलिप टोल्ड हिम दैट ही हैड नो क्लीन शर्ट टू वियर. अब जब फिलिप ने अपने टीचर को ये बताया कि उसके पास पहनने के लिए, कंसर्ट पर पहनने के लिए जो थी एक क्लीन शर्ट नहीं थी, तो उसका रिएक्शन क्या था, क्या प्रतिक्रिया थी. ही आस्क्ड हिम टू गो टू हिज वाइफ टू गेट अ क्लीन शर्ट. उसने कहा कि वो उसकी वाइफ के पास जाए और एक साफ शर्ट ले. ही स्कॉल्डेड हिम, उसने उसे बहुत डांटा. बोथ ए एंड बी आर राइट, दोनों ही ठीक हैं कि उसने उसे अपनी वाइफ के पास भेजा था एक क्लीन शर्ट लेने के लिए और उसने उसको डांटा भी था. बोथ बी एंड सी आर राइट, या फिर उसने उसे डांटा था और दोनों ऊपर वाले सही हैं. राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द म्यूजिक टीचर टेल फिलिप टू डू व्हेन ही कुड नॉट फाइंड अ क्लीन शर्ट. म्यूजिक टीचर ने फिलिप को क्या कहा जब उसको साफ ड्रेस नहीं मिली. ऊपर वाला है बच्चे की, उसका रिएक्शन क्या था. रिएक्शन में उसने उसको डांटा था और बोला था कि उसकी वाइफ के पास जाए क्लीन शर्ट लेने के लिए. अब जब उसने कहा कि क्लीन शर्ट उसको नहीं मिल रही, तो उसने क्या कहा था. ही आस्क्ड हिम टू गो टू हिज वाइफ एंड गेट अ न्यू शर्ट. ही आस्क्ड हिम टू गो टू हिज वाइफ एंड गेट वन ऑफ हिज शर्ट्स. ही आस्क्ड हिम टू गो टू हिज मदर एंड गेट अ न्यू शर्ट. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ही आस्क्ड हिम टू गो टू हिज वाइफ एंड गेट वन ऑफ हिज शर्ट. उसने कहा था कि मेरी वाइफ के पास जाओ और वहां से मेरी कोई एक शर्ट लो और वो पहन लो. वट वॉज द नेम ऑफ फिलिप्स म्यूजिक टीचर, उसके म्यूजिक टीचर का नाम क्या था. मिसेज अस्पता, मिस्टर अस्पता, मिस्टर इस्पता, मिस्टर अस्पता. राइट आंसर इज बी, दैट इज मिस्टर अस्पता. विच शर्ट इट मिस्टर अस्पताल फिच, कौन सी शर्ट जो थी वो मिसिज अस्पताल जो थी वो लेके आई उसके लिए, फिलिप के लिए. वन ऑफ आर हस्बेंड्स वाइट शर्ट, वन ऑफ आर हस्बेंड्स ब्लू शर्ट, वन ऑफ आर हस्बेंड्स ऑफ वाइट शर्ट, वन ऑफ आर हस्बेंड्स क्लीन ड्रेस. राइट आंसर इज ए, दैट इज वन ऑफ आर हस्बेंड्स वाइट शर्ट. वो अपने हस्बैंड की एक वाइट शर्ट लेके आई. व्हाट इट मिसेज अस्पताल डू टू मेक द शर्ट फिट फॉर फिलिप. अब क्योंकि म्यूजिक टीचर तो बड़े थे और जो फिलिप था वो छोटा था, तो उनकी शर्ट उसको बड़ी थी, उसको फिट करने के लिए उनकी वाइफ ने क्या किया था. शी फाउंड अ बॉक्स ऑफ पिन, उसने एक बॉक्स ऑफ पिन्स ढूंढा. शी पिंक्ड इनफ टक्स इन द शर्ट टू मेक इट फिट फॉर फिलिप. फिर उसने बहुत सारे टक्स लगाए उनके साथ ताकि वो जो शर्ट है वो फिलिप को फिट हो जाए. शी वेंट टू अ टेलर टू मेक द शर्ट फिट फॉर फिलिप. वो टेलर के पास गई और उसे बोला कि जो उसके हस्बैंड की शर्ट है उसको फिलिप के जो माप है उसके साइज का बना दिया जाए. बोथ ए एंड बी आर राइट, या फिर उसने बॉक्स ऑफ पिंस ढूंढा था और फिर उनको फिट कर दिया था किस पे, शर्ट पे, ताकि वो फिलिप को फिट हो जाए. राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट. नेक्स्ट इज बॉथ मिसेज एस्पता एंड फिलिप हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन द जॉब ऑफ मेकिंग द शर्ट फिट फॉर फिलिप वॉज फिनिश्ड. अब मिसेज एस्पता जो थे और फिलिप, दोनों ने एक गहरी सांस ली, उनको सुकून मिला कि यस अभी शर्ट जो है वो ठीक हो गई है, उसके फिट हो गई है. ट्रू और फॉल्स. ट्रू. फिलिप वेंट टू स्कूल फॉर इवनिंग कंसर्ट एंग्जियसली. वो बड़े ही चिंता में गया था अपने इवनिंग कंसर्ट के लिए. ट्रू और फॉल्स, दैट इज फॉल्स बिकॉज फिलिप वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट टू प्ले द वायलिन सोलो. वट हैपन टू फिलिप्स शर्ट व्हेन ही वॉज गिविंग परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज. जब फिलिप स्टेज पर अपना परफॉर्म कर रहा था तो उसकी शर्ट को क्या हुआ था. द शर्ट वॉज सो टाइट दैट ही कुड नॉट मूव. इतना ज़्यादा टाइट हो गई थी शर्ट की वो मूव नहीं कर पा रहा था. द शर्ट वॉज टॉर्न, शर्ट जो थी वो फट गई थी. द पिंस केम ऑफ एंड द शर्ट फेल अवे फ्रॉम हिज नेक. जो पिंस थी वो निकल गई थी और उसकी नेक जो थी, उसकी गर्दन से वो शर्ट थी वो गिर पड़ी थी. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी, दैट इज द पिंस केम ऑफ एंड द शर्ट फेल अवे फ्रॉम हिज नेक. कि जो पिंस थी वो शर्ट से निकल गई थी और वन बाय वन जैसे ही वो वायलिन प्ले कर रहा था और वो ढीली होकर फिर से उसकी नेक से नीचे गिर गई थी. नेक्स्ट इज व्हाई डिड द ऑडियंस लाफ एट फिलिप. अब ऑडियंस जो थी
श्रोतागण जो थे वो फिलिप पे क्यों हंसे थे? बिकॉज ही वॉज प्लेइंग वायलिन वेरी बैड, क्योंकि वो बहुत गंदा वायलिन बजा रहा था. बिकॉज ही शर्ट फेल अवे फ्रॉम हिज नेक, क्योंकि उसकी शर्ट जो थी उसकी नेक से नीचे हो गई थी. बिकॉज ही रैन अवे फ्रॉम द स्टेज, क्योंकि वो स्टेज से भाग गया था. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज बिकॉज ही शर्ट फेल अवे फ्रॉम हिज नेक, कि उसकी जो शर्ट थी उसकी नेक से नीचे गिर गई थी. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिजल्ट व्हेन फिलिप्स शर्ट फेल अवे. जब फिलिप की शर्ट गिर गई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिलिप फेल्ट एम्बेरस्ड, फिलिप फॉरगॉट व्हाट ही वाज प्लेइंग, ही स्टॉप्ड प्लेइंग ऑन द वायलिन, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, कि उसको बहुत शर्म महसूस हुई, बहुत अजीब लगा और वो भूल गया जब ऑडियंस उस पर हंसने लगी कि वो कौन सी धुन बजा रहा था, और उसने वायलिन बजाना बंद कर दिया था. हाउ डिड मिस्टर अस्पताल रिमार्क आफ्टर द कंसर्ट. अब कंसर्ट जब ख़त्म हो गया तो फिर मिस्टर अस्पताल ने क्या रिमार्क दिया? ही रिमार्क्ड दैट फिलिप हैड मेड अ नाइस मेस. उसने कहा कि तूने बहुत जो है नाइस मेस किया था, कि जैसे हम डांटने के टोन में बोलते हैं कि बहुत गंद पाया था, ठीक है ना. नेक्स्ट इज ही सेड दैट ही शुड नॉट हैव स्पेंड द डे प्लेइंग बॉल. और उसने ये भी कहा कि उसे सारा दिन बॉल नहीं खेलना चाहिए था. ही रिमार्क दैट ही वॉज अ केयरलेस चाइल्ड. उसने कहा कि वो बहुत ही लापरवाह बच्चा था. बोथ ए एंड बी आर राइट. राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट. उसने कहा कि तूने बहुत गंदा म्यूजिक जो था वहाँ पे बजाया था, बहुत गंद डाला था स्टेज पे, और ये भी बोला था कि उसे सारा दिन जो बॉल थी वो नहीं खेलनी चाहिए थी. बिकॉज जब आपका कोई इम्पोर्टेंट काम होता है तो आपको फोकस किस पे करना चाहिए? काम पे करना चाहिए. प्ले और वर्क दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट वाज सर्व्ड आफ्टर द कंसर्ट. कंसर्ट खत्म हो जाने के बाद क्या सर्व किया गया? रिफ्रेशमेंट, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट. राइट आंसर इज ए, दैट इज रिफ्रेशमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज सर्व्ड आफ्टर द कंसर्ट. कंसर्ट के बाद आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड बच्चे. नेक्स्ट इज हाउ डिड फिलिप ट्राई टू अवॉइड मिस्टर अस्पताल. जो फिलिप था वो मिस्टर अस्पताल को क्यों अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था? अब क्योंकि उसने गलती तो की थी कि उस सारा दिन वो बेसबॉल खेला था, और फिर कंसर्ट भी उसका सही नहीं हुआ था बिकॉज उसका शर्ट जो था वो गिर गया था. तो ही हिड इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टेज. उसने अपने आप को उससे बचाने के लिए एक कॉर्नर में छुप गया था. ही मिंगल्ड विद द क्राउड, या फिर वो जो क्राउड थी वहाँ पे भीड़ थी उसमें ही मिल गया था. ही रश्ड टू हिज ओन हाउस, वो अपने घर भाग गया था. ही लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली, उसने वो प्लेस इमीडिएटली मतलब तुरंत छोड़ दिया था. राइट आंसर इज बी, दैट इज ही मिंगल्ड विद द क्राउड. नेक्स्ट इज व्हाट डिड फिलिप नेवर अगेन ट्राई टू मिक्स विद. अब फिलिप ने दोबारा फिर से क्या मिक्स नहीं किया? Playing and eating, work and play, music and play, none of the above. Right answer is B, that is work and play. अब उसका work क्या था? कि खुद को prepare करे किस चीज़ के लिए? Evening concert के लिए. लेकिन उसने क्या किया? He was overconfident. Confident होना अच्छी बात है, लेकिन overconfident होना बहुत बुरी बात है. अब वो overconfident था कि मैं बहुत time से एक small band को जो direct कर रहा हूँ, और मैं बहुत अच्छे से जो है violin बजाऊँगा. इसलिए उसने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और वो खेलने के लिए चला गया था, है ना. तो फिर हुआ क्या कि उसने काम को इग्नोर किया और उसने जो उसका कंसर्ट था वो फ्लॉप हो गया था, है ना. अगर वो पहले ध्यान देता तो मे बी कि उसको एक वाइट शर्ट जो थी वो अच्छे से अरेंज कर पाता. नेक्स्ट इज व्हाट वाज फिलिप्स रिएक्शन टू द म्यूजिक टीचर्स रिमार्क अबाउट हिज पुअर परफॉर्मेंस. अब जब म्यूजिक टीचर ने उसे डांटा कि तूने तो बहुत गंद डाला है, तूने सारा दिन नहीं खेलना चाहिए था, और उसको और भी डांट पड़ी थी, तो फिलिप का रिएक्शन क्या था जब उसके टीचर ने कहा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी? फिलिप इंडल्ज इन आर्गुमेंट विद हिज टीचर. ही मेड एक्सक्यूजेस फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस. एक तो वो उसके साथ उलझ गया था, आर्गुमेंट्स करने लगा था, बहस करने लगा था, ठीक है. फिर उसने बहाने बनाए कि जी मेरा तो इसलिए पूरा परफॉर्मेंस हुआ. ही फेल्ट सो अपसेट एंड यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज. वो बहुत अपसेट हो गया और उसने भद्दी भाषा का प्रयोग किया. फिलिप हंग हिज हेड, उसने अपना जो सिर था वो लटका लिया, साइड हैवीली लंबा सांस लिया, है ना, एंड वेंट अवे होम, और वो घर चला गया था. तो राइट आंसर इज
They, that is, Philip hung his head, sighed heavily, and went home. Next is, at what age did Philip and his teacher indulge in a heated argument? अब फिलिप और उसका टीचर मिस्टर अस्पताल में एक हीटेड आर्गूमेंट हुआ था, बहुत ही बहस हो गई थी. किस एज में हुई थी? एट द एज ऑफ 10, 12, 13 और 16. राइट आंसर इज बी, दैट इज एट द एज ऑफ 12. जब वो 12 साल का था तो उनके बीच में हीटेड आर्गूमेंट हुआ था. तो ये आपको याद रखना है कि एट द एज ऑफ 7 जो था वो स्कूल गया था, एट द एज ऑफ 12 जो था उसका अपने टीचर के साथ हीटेड आर्गूमेंट हुआ था. बट वॉज द रिजल्ट ऑफ द हीटेड आर्गूमेंट बिटवीन मिस्टर अस्पताल एंड फिलिप? मिस्टर अस्पताल और फिलिप जो था, मिस्टर अस्पताल कौन था बच्चे? फिलिप का म्यूजिक टीचर. उनके बीच में जब हीटेड आर्गूमेंट हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ही लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली, उसने वो जगह जो थी तुरंत छोड़ दी. एज अ रिजल्ट फिलिप नो लॉन्गर वॉन्टेड टू टीक म्यूजिक लेसन्स. रिजल्ट ये हुआ कि वो अब म्यूजिक सीखना ही नहीं चाहता था. ही क्राइड लाउडली, वो बहुत जोर से चिल्लाया. ही नेवर मेट मिस्टर अस्पताल अगेन, और दोबारा कभी भी अपने टीचर से नहीं मिला. राइट आंसर इज बी, दैट इज अ रिजल्ट फिलिप नो लॉन्गर वॉन्टेड टू टेक म्यूजिक लेसन्स. रिजल्ट ये हुआ कि उसके साथ बहस करने के बाद टीचर के साथ उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब म्यूजिक की क्लासेस नहीं लगाएगा. नेक्स्ट इज, होम डिड फिलिप डिस्कस द मैटर दैट ही नो लॉन्गर वॉन्टेड टू टेक द म्यूजिक क्लासेस? किसको ये बात बताई उसने कि वो म्यूजिक क्लासेस नहीं लगाएगा? With his mother, with his father, with his music teacher, with his friend Ed. उसने अपनी मम्मा को बताया, पापा को बताया, टीचर को बताया या फिर अपने फ्रेंड एड को बताया? ये बात उसने किसके साथ शेयर की थी? With his father. Next is, what did Philip want to become instead of a musician? अब म्यूजिशियन के अलावा अब उसने, क्योंकि म्यूजिक क्लास लेने का ना लेने का फैसला कर लिया था, तो वो क्या बनना चाहता था? A teacher, a businessman, a baker, a carpenter. Right answer is C, that is a baker. वो एक baker बनना चाहता था. What was father's reaction after knowing that Philip wanted to become a baker? अब father को, father की प्रतिक्रिया क्या थी जब उनको पता लगा कि उनका बेटा music ना सीख के baker बनना चाहता है? His eyebrow flew up. उसने अपनी भौहें चढ़ा ली. He was surprised. उसको बड़ी हैरानी हुई. Both he and B are right or none of the above. Right answer is C, that is both he and B are right. उसके पापा की जो भौहें थी वो चढ़ गई थी और वो बहुत हैरान हुए थे. What was the name of the baker? अब baker का नाम क्या था? Barley, Charlie, Charlie, Henry. Right answer is C, that is Charlie. Next is, how far was the bakery from Philip's house? जो बेकरी थी वो फिलिप के घर से कितना दूर थी? A few blocks away, a few miles away, a few kilometers away, none of the above. Right answer is A, that is a few blocks away. कि कुछ एक ब्लॉक्स के बाद बेकरी आ जाती थी. Why, what did Philip's father want him to do besides working as a baker? अब फिलिप के पापा क्या चाहते थे कि बेकरी के साथ साथ, बेकर बनने के साथ साथ वो और क्या करे? साइड बाई साइड, ही वॉन्टेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी साइड बाई साइड. वो चाहते थे कि वो अपनी स्टडी को भी साइड बाई साइड करता रहे, स्टडी बिल्कुल छोड़े ना. ही वॉन्टेड फिलिप टू हेल्प हिम इन हिज वर्क. वो चाहते थे कि फिलिप उनकी जो वर्क है उसमें हेल्प करे. ही वॉन्टेड हिम टू हेल्प हिज मदर एट होम टू. वो चाहते थे कि घर पे फिलिप जो है अपनी मम्मा की हेल्प करे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारा कुछ था. वो क्या चाहते थे कि वो साइड बाय साइड स्टडी भी करे, उनके घर के काम में हेल्प भी करे, या फिर उनके बिजनेस में हेल्प करे? राइट आंसर इज ए, दैट इज ही वॉन्टेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी साइड बाय साइड. वो चाहते थे कि बेकर के साथ साथ वो क्या करे, अपनी स्टडी जो है वो भी शुरू करें. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड चार्ली टीच फिलिप एट बेकरी? चार्ली ने बेकरी पे फिलिप को क्या सिखाया? समोसास एंड पैटीज, मेकिंग ऑफ केक्स एंड चॉकलेट, मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड पाइज, मेकिंग ऑफ बिस्किट्स एंड समोसास. राइट आंसर इज सी, दैट इज मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड पाइज. ये आपको याद रखना होगा कि ब्रेड एंड पाइज ही बनाना उसने सिखाया था. अकॉर्डिंग टू फिलिप्स फादर, बेकर्स आर नॉट ऑलवेज डैश. फिलिप के फादर के अनुसार बेकर्स ऑलवेज क्या नहीं होते हैं? नाइस, वेल एजुकेटेड, स्किल्ड और गुड एट वर्क. राइट आंसर इज बी, दैट इज वेल एजुकेटेड. कि जो बेकर होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं.
फिलिप डिड नॉट एग्री टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन साइड बाई साइड. अब उसके फादर ने क्या बोला था, फिलिप के फादर ने, कि अगर वह बेकरी ज्वाइन करना चाहता है तो कर ले, लेकिन साथ ही साथ अपनी एजुकेशन भी शुरू करे. अब क्वेश्चन है हमारे पास कि वो एग्री नहीं हुआ था, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है. राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स, वो एग्री हो गया था. नेक्स्ट इज, एट व्हाट टाइम फिलिप हैड टू रिपोर्ट एट बेकरी ऑन द फर्स्ट डे. बेकरी पे फर्स्ट डे उसने कितने बजे जो था रिपोर्ट करना था, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे या फिर 9:30 बजे. राइट आंसर इज सी, दैट इज एट 8:30 AM. व्हाट डिड फिलिप वॉच एट द बेकरी. तो उसको शाम को 7:30 बजे जाना था, एट 8:30 PM. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड फिलिप वॉच एट द बेकरी. बेकरी में उसने क्या देखा. बेकर्स एट वर्क मेकिंग पैटीज एंड समोसास. नेक्स्ट इज, बेकर्स मेकिंग समोसास एंड पाइज. बेकर्स एट वर्क मिक्सिंग ब्रेड एंड मेकिंग पाइज. बेकर्स एट वर्क मिक्सिंग ब्रेड एंड मेकिंग समोसास. राइट आंसर इज सी, दैट इज बेकर्स एट वर्क मिक्सिंग ब्रेड एंड मेकिंग पाइज. नेक्स्ट इज, व्हाट हैपेंड, व्हाट इम्प्रेस्ड फिलिप एट वर्क. जो वर्क था, जो काम पे हो गया था, वहाँ पे फिलिप को किस चीज़ ने इम्प्रेस किया था. द स्पीड एंड स्किल ऑफ द बेकर्स, द वर्किंग आवर्स, द मशीन यूज फॉर मेकिंग एंड बेकिंग पाइज. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, दैट इज द स्पीड एंड स्किल ऑफ द बेकर्स. नेक्स्ट इज, व्हाई वाज फिलिप अमेज्ड. फिलिप अमेज्ड क्यों हुआ था. टू सी द अमाउंट ऑफ ब्रेड बींग मेड, टू सी द अमाउंट ऑफ कुकीज बींग मेड, टू सी द अमाउंट ऑफ समोसास बींग मेड, टू सी द अमाउंट ऑफ पैटीज बींग मेड. राइट आंसर इज ए, दैट इज टू सी द अमाउंट ऑफ ब्रेड बींग मेड. कि जो बहुत बड़ी तादाद में जो थे वो ब्रेड बनाए गए थे, उसको देख कर वो बहुत ही हैरान हुआ था. नेक्स्ट इज, वट डिड फिलिप डू एट द बेकरी. बेकरी पे वो क्या करता था. In the morning, he helped to load the big bakery wagon. B is, he went out with the driver to deliver the bread. Third is, he went to sell samosas. D, both A and B are right. Right answer is D, that is both A and B are right. कि वो सुबह सुबह बेकरी वेगन जो था उसको लोड करवाने में हेल्प करता था और फिर ड्राइवर के साथ जाता था, क्या करने के लिए, ब्रेड्स को डिलीवर करने के लिए. नेक्स्ट इज, व्हेन डिड फिलिप गो होम फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट के लिए वो कब घर जाता था. बाय 7 o'clock, 7:30 AM, बाय 8 o'clock और 6:30 AM. राइट आंसर इज बाय 8 o'clock. नेक्स्ट इज, आफ्टर स्कूल एंड बिफोर गोइंग टू बेकरी, फिलिप लाइक टू प्ले बेसबॉल. कि स्कूल जाने के बाद और फिर बेकरी जाने से पहले जो फिलिप था वो बेसबॉल खेलता था. मतलब उसके पास इतना टाइम होता था कि सुबह स्कूल जाता था और फिर खेलता था और फिर बेकरी जाता था. ट्रू और फॉल्स. राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज, विच डे आफ्टर ज्वाइनिंग द बेकरी सीम्ड नॉट इंटरेस्टिंग टू फिलिप. कौन सा दिन था कि बेकरी जाने के बाद उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगा था. द फोर्थ डे, द थर्ड डे, द फिफ्थ डे, द सेकेंड डे. राइट आंसर इज बी, दैट इज द थर्ड डे. कि तीसरे दिन वो पूरी तरह से थक चुका था, उसको नींद आ रही थी और उसे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था जैसा कि फर्स्ट डे था. व्हाट डिड द बेकर्स वाइफ टेल फिलिप एट अबाउट मिडनाइट. आधी रात को बेकर की वाइफ ने क्या बोला फिलिप को कि वो क्या करे. टू गो अपस्टेयर एंड वॉश द क्लॉथ्स, के ऊपर जाए और कपड़े धोए. टू गो अपस्टेयर एंड प्ले विद द बेबी, के ऊपर जाए और बेबी के साथ खेले. टू गो अपस्टेयर एंड रॉक द क्रेडल ऑफ द बेबी, कि वो ऊपर जाए और बेबी का झूला झूलाए. टू गो अपस्टेयर एंड वॉश द यूटेंसिल्स, कि वो ऊपर जाए और बर्तन साफ करे. राइट आंसर इज सी, दैट इज टू गो अपस्टेयर एंड रॉक द क्रेडल ऑफ द बेबी. नेक्स्ट इज, व्हाट हैपेंड व्हेन फिलिप स्टार्टेड रॉकिंग द क्रेडल. जब उसने झूले को झुलाना शुरू किया तो क्या हुआ. मदर गॉट एंग्री, ही फेल अस्लीप, द चाइल्ड फेल अस्लीप, ही वॉज टायर्ड एंड कुड नॉट रॉक द क्रेडल. कि मदर एंग्री हुई थी, वो गहरी नींद सो गया था, बच्चा गहरी नींद सो गया था, या वो बहुत टायर्ड था और वो रॉक ही नहीं कर पाया था क्रेडल को. राइट आंसर इज बी, दैट इज ही फेल अस्लीप, कि वो गहरी नींद सो गया क्योंकि उसको बहुत नींद आई हुई थी, थका हुआ था. एट व्हाट टाइम द बेकर्स बेबी स्टार्टेड टू क्राई. इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट मिडनाइट, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज एट मिडनाइट, आधी रात को. नेक्स्ट इज, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड मिस्टर सोजा गिव टू हिज वाइफ इन लो वॉइस. अब जब अगले दिन सुबह
काम करने के बाद बेकरी वेगन को लोड किया उसने और ब्रेड्स को डिलीवर किया और फिर बहुत थका मांदा वो जब घर गया तो फादर जो थे मिस्टर सोसा जो थे उन्होंने अपनी वाइफ को धीमी आवाज़ में क्या निर्देश दिए थे टू गिव ब्रेकफास्ट टू फिलिप एंड पुट हिम टू बेड कि वो फिलिप को खाना दे सुबह का और उसे बेड में डाल दे टू अलाउ हिम टू स्लीप ऑल डे और उसको कहा कि वो सारा दिन उसको सोने दे टू सेंड हिम स्कूल एट प्रॉपर टाइम कि स्कूल प्रॉपर टाइम पे भेजे या फिर बोथ ही एंड बी अ राइट उन्होंने कहा था कि उसको ब्रेकफास्ट दो सो जाने दो और सारा दिन सोने दो राइट आंसर इज डी दैट इज बोथ ही एंड बी आर राइट What did Philip do after leaving the bakery? बेकरी छोड़ने के बाद फिलिप ने क्या किया He made up with Mr. Espota and started his music lessons again. वो फिर से मिस्टर एस्पोता के पास गया और उसने म्यूजिक लेसन स्टार्ट किए He felt relief and started going to school. He joined another job. He stopped playing baseball. Right answer is A. That is he made up with Mr. Espota and started his music lessons again. Next is who became best friends of Philip? कौन फिलिप का बेस्ट फ्रेंड बना मिस्टर एस्पोता मिसेस एस्पोता एट मिस्टर सोसा राइट आंसर इज ए दैट इज मिस्टर एस्पोता कि अब जो हीटेड आर्गूमेंट के बाद वो नाराज़ हो गया था उसने बेकरी ज्वाइन कर लिया था बेकरी ज्वाइन करने के बाद उसको लगा कि ये तो बहुत ही जो है थकाने वाला काम है तो वो फिर से म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन की और फिर उनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी किनके बीच में म्यूजिक टीचर के बीच में और फिलिप के बीच में Next, what had happened by the time Philip was 13 years old? जब फिलिप 13 years का हुआ तो क्या हुआ He had gained a reputation as a good player of baseball. He had gained a reputation as a good player of hockey. He was considered as a student of the year. He had gained a reputation as a fine violin player. Right answer is D. That is, he had gained a reputation as a fine violin player. At what age? At the age of 13. Right. Who came to Philip one day? When he was practicing to play the violin, जब वो प्ले कर रहा था वायलिन को बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके पास कौन आया लीडर ऑफ द स्कूल साइंस क्लब लीडर ऑफ द मैरीन बैंड लीडर ऑफ द सर्कस बैंड लीडर ऑफ द क्लास राइट आंसर इज सी दैट इज लीडर ऑफ द सर्कस बैंड नेक्स्ट इज वट ऑफर डिड द सर्कस मैन गिव टू फिलिप टू एम्प्लॉय हिम इन द सर्कस टू गिव हिम अ कम्फर्टेबल लाइफ टू गिव हिम अ स्मार्ट सैलरी टू गिव हिम To make him the manager of the circus. Right answer is A, that is to employ him in the circus. उसने कहा था कि मैं तुझे सर्कस में काम दूंगा Where was the circus show? Circus show कहाँ था Near Philip's house, in Model Town, Bhatinda, near the Pennsylvania Avenue, near the White House. Right answer is C, that is near the Pennsylvania Avenue. Next is whom did Philip tell about the joining of circus? अब उसने फिलिप ने सर्कस ज्वाइन करना है ये सीक्रेट उसने किसको बताया था His friend. His father, his mother, his teacher. Right answer is A. That is his friend. What was the name of Philip's friend? जिसको उसने बताया था secret. At Kate Bio Blake. Right answer is At. Next is what did Philip cautioned Ed? Caution मतलब उसको क्या आगाह किया था Philip ने जब Ed को बताया कि मैं तो सर्कस में जा रहा हूँ बिना बताए तो उसने उसको आगाह किस चीज़ के लिए किया था नॉट टू टेल हिज सीक्रेट टू हिज मॉम कि वो अपनी मम्मा को ना बताए नॉट टू टेल हिज सीक्रेट टू एनीवन कि वो किसी को भी ना बताए नॉट टू टेल हिम लीव हिम अलोन उसने उसे कहा कि वो उसे अकेला ना छोड़े नॉट टू टेल हिज पेरेंट्स कि वो उसके मम्मी पापा को ना बताए राइट आंसर इज बी नॉट टू टेल हिज सीक्रेट टू एनीवन उसने क्या क्वेश्चन किया था उसे कि वो किसी को भी उसका सीक्रेट नहीं बताएगा Whom did Ed tell the secret of Philip accidentally at supper time? Supper time के वक्त जो Ed था उसने किसको मतलब एकदम उसकी जवान फिसल गई थी और उसने Philip का secret बता दिया था To Philip's mother, to Philip's father, to his own mother, to his teacher. Right answer is C, that is to his own mother. Next is, whom did Philip's mother, who told Philip's mother about his plan to join the circus? Philip की मम्मा को किसने बताया कि वो सर्कस ज्वाइन करने वाला है? His friend Ed, उसके friend Ed ने, mother of Ed, या फिर Ed की mother ने, father of Ed, या Ed की father ने, none of the above. Right answer is B, that is mother of Ed. Mother, जो Ed थी, उसकी मम्मा ने जब वो सो गया था, उसको बताने के बाद, तो फिर उसने उसकी मम्मा को बताया कि तेरा बच्चा जो है, वो
सर्कस ज्वाइन करने के लिए जा रहा है घर छोड़ के. वट डिड फिलिप्स फादर डू टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम ज्वाइनिंग द सर्कस. अब फिलिप के फादर ने वो सर्कस ज्वाइन ना करे उससे बचाने के लिए क्या किया. ही गॉट फिलिप एनलिस्टेड टू स्टडी म्यूजिक इन द मैरीन बैंड. उसने उसको एनलिस्ट करवा दिया कहाँ पे, मैरीन बैंड में म्यूजिक सीखने के लिए. ही स्टॉप्ड फिलिप गोइंग आउट ऑफ द हाउस. उसने उसका घर से निकलना बंद कर दिया. ही इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट दैट. उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया. ही हेल्प हिम टू गेट अ जॉब नियर हिज हाउस. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर्कस में मत जा, तुझे हम नज़दीकी कोई जॉब दिला देती है. राइट आंसर इज ए, ही गॉट फिलिप एनलिस्टेड टू स्टडी म्यूजिक इन द मैरीन बैंड. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैरीन बैंड. मैरीन बैंड क्या है. ऑफिशियल बैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल बैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज द ऑफिशियल बैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट इज हाउ डिड फिलिप कम टू बी नोन. फिलिप को कैसे जाना जाने लगा. एज ए म्यूजिक किंग, एज अ वायलिन मास्टर, एज अ बेस्ट प्लेयर ऑफ बेसबॉल, एज द मार्च किंग. राइट आंसर इज डी, दैट इज एज द मार्च किंग. नेक्स्ट इज सोजा सर्व्ड एज हेड बैंड मास्टर फॉर डैश. जो सोजा था उसने बैंड मास्टर के तौर पे किसके लिए काम किया. फाइव प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, फाइव Prime Ministers of the United States, five Ministers of the United States, all of the above. Right answer is A, that is five Presidents of the United States. उनके लिए उसने बैंड मास्टर का काम किया था. Next is Sousa also became famous as a dash. Sousa और मार्च किंग के नाम से तो जाने ही जाने लगा था, लेकिन और किस तौर पे वो मशहूर हुआ था. म्यूजिशियन, बेसबॉल प्लेयर, वायलिन प्लेयर, कंपोजर. राइट आंसर इज डी, दैट इज कंपोजर. वो एक अच्छा कंपोजर के तौर पे उसको जाना जाने लगा था. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मार्चेस डिड फिलिप राइट. फिलिप ने कितने मार्चेस लिखे. मोर देन 1000 मार्चेस, मोर देन 200 मार्चेस, मोर देन 100 मार्चेस और मोर देन 50 मार्चेस. राइट आंसर इज सी, दैट इज मोर देन 100 मार्चेस. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द वाशिंगटन पोस्ट आस्क फिलिप. वाशिंगटन पोस्ट ने फिलिप को क्या करने के लिए कहा. टू कंपोज अ मार्च फॉर द स्पेशल ओकेजन, टू कंपोज अ मार्च फॉर अ मैरिज पार्टी, टू कंपोज अ मार्च फॉर अ बर्थडे पार्टी, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, दैट इज टू कंपोज अ मार्च फॉर द स्पेशल ओकेजन. अब स्पेशल ओकेजन क्या था ये हम आगे बात करेंगे. द वाशिंगटन पोस्ट इज द, वाशिंगटन पोस्ट है क्या. मैगजीन, न्यूज़ पेपर, नॉवेल, जर्नल. राइट आंसर इज बी, दैट इज न्यूज़ पेपर. नेक्स्ट इज फॉर व्हाट वर द प्राइजेस ऑफर टू द पीपल इन द वाशिंगटन स्कूल्स. अब वो स्पेशल ओकेजन क्या था कि जो वाशिंगटन के स्कूल्स थे उसमें जो विद्यार्थी थे उनको प्राइजेस ऑफर किए जाने थे. किस लिए. फॉर बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय द पीपल, की बच्चों ने बहुत बेस्ट नॉवेल्स लिखे थे, या फिर स्टोरीज लिखी थी, या फिर एसेज लिखे थे, या फिर पोएम्स लिखी थी. राइट आंसर इज सी, दैट इज फॉर बेस्ट एसेज रिटन बाय द पीपल्स. ठीक है जी. So this was all about the multiple choice question of the lesson The March King. I hope you might have watched the video till end and you have understood all the lessons. I have tried to cover all the chapter, and I hope that these questions will prove helpful to you to attempt in the final examination. So wish you all the best for your final examination. See you next time in my next video. But if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe, like and comment on it. Bye bye.